हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ और एक प्रोडक्ट के रिव्यू लेकर। इससे पहले बोलूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रोडक्ट है कपिवा ब्रांड की थर एलोवेरा जूस। एलोवेरा डेजर्ट लिली के नाम से भी जानी जाती है और राजस्थान की थर में इंडिया का बेस्ट एलोवेरा प्लांट पाई जाती है, और ये एलोवेरा जूस उसी एलोवेरा प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ये प्रोडक्ट आपकी डेली फाइबर नीड्स की 25% और विटामिन सी की 40% ज़रूरत को पूरा करता है। ये जूस लेने के बाद मैंने कौन सा बेनिफिट और कौन सा साइड इफेक्ट नोटिस किया है, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले देखते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्राइस। एक लीटर एलोवेरा जूस की प्राइस है 265 रुपीज़। ये आपको ऑनलाइन डिस्काउंट में मिल जाएगा। इसमें 99.6% एलोवेरा जूस, 0.1% साइट्रिक एसिड और लेस देन 0.3% परमिटेड क्लास टू प्रिजर्वेटिव है। इट्स अ कीटो फ्रेंडली वेगन ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और शुगर एडिड नहीं है। ये आपके स्किन सेल को रिपेयर करके आपके हेयर और स्किन को काफ़ी ग्लोइंग बना देता है, और ये आपके वेट लॉस के साथ साथ आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करता है। अब देखते हैं इसे लेना कैसे है। ये जूस प्लास्टिक बॉटल में आता है और इसके साथ एक मेजरिंग कप भी आता है। इसे लेने से पहले अच्छे से शेक करके लेना है। 30 ml एलोवेरा जूस लेना है और 30 ml पानी मिला के इसे दिन में 2 बार लेना है। आप सुबह एम्प्टी स्टमक 30 ml और शाम को 30 ml ले सकते हैं। ये प्योर एलोवेरा जूस है विद पल्प, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ये जूस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। मैं इसे नॉर्मल टेम्परेचर पानी के साथ लेती हूँ। गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं कि नहीं, ये बॉटल में मेंशन नहीं किया हुआ है। बॉटल को ओपन करने के बाद आपको इसे फ्रिज में स्टोर करना है। इस एलोवेरा जूस को लेने के 10 से 15 दिन बाद से ही आप अपने स्किन और हेयर में पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करेंगे। आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग हो जाएगा, और अगर आप इसे कंटिन्यू करें तो ये आपकी वेट लॉस में भी मदद करेगा। मैं ये जूस 2 वीक से ले रही हूँ। मैंने इसे लेने के बाद अब तक कोई साइड इफेक्ट नोटिस नहीं किया है। अगर इसे लेने के बाद डायरिया, ड्राई माउथ, अपसेट स्टमक जैसा कुछ फील करे तो इसे लेना डिसकंटिन्यू करें। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।